पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने बुधवार को सत्ता पक्ष के 3 सदस्यों सहित 7 सांसदों पर अगले आदेश तक सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। कोरोना उत्पत्ति अमेरिका में हुई, चीन ने आरोप लगा, जांच की मांग रखी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी तक चीन को ही जिम्मेदार बता स्वतंत्र प्रभावी जांच की मांग की जा रही है। ऐसी मांग करने वाले में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कुछ अन्य यूरोपीय देश भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में जीवित नवजात बच्ची बक्से में तैरती हुई मिली थी। बच्ची को सुरक्षित बचाने में एक नाविक कामयाब रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि नवजात के पालन पोषण की जिम्मेदारी यूपी सरकार अपने हाथ में लेगी। झारखंड में अगले 7 दिन तक होगी झमाझम बारिश। बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 18 जून तक राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी के लिए येलो अलर्ट किया है। बरेली में पिता के शव के साथ 3 दिन तक भूखे रहे मासूम। मौके पर पहुंची पुलिस के भी उड़े होश। ये राज तब खुला जब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए तो पड़ोसी के घर कुछ खाने को मांगने गए तो लोगों को पता चला कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। भगवान की तरह मानते हैं पंत, तुलना होने पर कह दी थी खेल छोड़ने की बात। साथ ही खिलाड़ी ने किया खुलासा, धोनी से तुलना करने की बात आती है तो 23 वर्षीय इस तरह की बातचीत से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं। हमीरपुर निवासी अरविंद की शादी होने जा रही थी, घर पर तैयारी भी सारी हो गई थी और अगले दिन बारात निकलने वाली थी, लेकिन खास मौके से एक दिन पहले ही बिजली का करंट लगने से अरविंद की मौत हो गई और घर में मातम पसर गया। तीर सरकार ने 100 दिन के अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए। इस दौरान दिवंगत हुए 18 पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने ज्वेलर्स पर गोलियां बरसा दी। ज्वेलर की पत्नी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन वो हमले में बच गई। इस घटना में दुकानदार को सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ।2019 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च करने का ब्यौरा भेज दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा तैयार आंकड़ों के मुताबिक तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार पर खर्च किए। सीबीएसई ने बताई मूल्यांकन नीति, 31 जुलाई तक तैयार होगा परिणाम। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की आवाज पर छापेमारी की है। एक अधिकारी ने बताया कि एंटीलिया बम मामले में और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच के सिलसिले में छापेमारी की गई है। दूसरी लहर से चालू वित्त वर्ष में उत्पादन में हो सकता है 2 लाख करोड़ का नुकसान। यह अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन में नुकसान की ओर इशारा करता है। पहले ही आरबीआई सहित कई एजेंसियों ने वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमानों को कम कर दिया है। मायावती को अखिलेश यादव पर फिर से निशाना। आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित हुआ अपने क्षेत्र में प्रभावहीन हो चुके पूर्व विधायकों व छोटे छोटे कार्यकर्ताओं आदि तक को भी सपा मुखिया को खुद पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है।
हरिद्वार कुंभ में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के कोविड टेस्ट की झूठी रिपोर्ट, FIR के आदेश। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में 5 स्थानों पर टेस्ट करने वाली दिल्ली और हरियाणा की लैब के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सोना हुआ 1 महीने में सबसे सस्ता। गिरावट के चलते सोने की कीमत 47,814 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। दूसरी ओर चांदी में 340 रुपए का उछाल आया है, उसकी कीमत 70,589 रुपए प्रति किलोग्राम है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाकर राहुल गांधी, ओवैसी और स्वरा भास्कर के खिलाफ दर्ज हो गया केस। मामले को दिया सांप्रदायिक रंग, बीजेपी विधायक। केरल में 50 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, लंबी कतारों में दिखे लोग। 576 बार और 291 वाइन शॉप को भी बिक्री की अनुमति दी गई। यहां रिटेल आउटलेट्स टेक अवे के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहेंगे। राम मंदिर जमीन मामला में साक्षी महाराज ने साधा संजय और अखिलेश पर निशाना किया, कहा वापस ले लो अपना डोनेशन। तक सस्ते होंगे खाद्य तेल, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। भारत में पिछले कुछ समय से जनता तेल की महंगाई से जूझ रही है। खाने का तेल हो या पेट्रोल, डीजल, सभी तरह के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।